दोस्तों नमस्कार, मैं मुरलीधर, आज मैं दमन में हूँ। जी हाँ दोस्तों, दमन यानी आज मैं नानी दमन में हूँ। ये नानी दमन बीच है। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा बना है, मैं नानी दमन बीच से होते हुए नानी दमन जट्टी जाऊँगा। वहाँ समुद्र नारायण मंदिर है, सेंट जोरम फोर्ट, उसके सामने से होते हुए मैं जाऊँगा मोटी दमन। तो चलिए दोस्तों, सफ़र की शुरुआत करते हैं नानी दमन से। और ये सब मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, काफ़ी डेकोरेटिव किया जा रहा है बीच पर। नानी दमन की जट्टी पर ये समुद्र नारायण मंदिर के सामने ही सेंट जेरोम फोर्ट है। अब ये जो मेरी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये मोटी दमन, ये नानी दमन। नानी दमन इकोनॉमिकल जोन है, सारा कारोबार यहाँ पर है। पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी मायने रखता है। इनका नाम है आकाश। आप क्या करते हैं, किस पर है? मैं मैक्स टेक अटक में वीडियो बनाता हूँ। मेरी मैक्स टेक अटक की आईडी है आकाश कुशवाहा जी के नाम। फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट जरूर करना। हाँ, मैं भैया से मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा मिलेंगे भैया से जरूर। अपना नाम बोलो। और भाई श्याम राउत। यहाँ पे कैसे घूमने आए थे, यहाँ पे बस पीने खाने और यहीं पे रहते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे ही है। चलो वेरी गुड। सफर में नए नए दोस्त बनते हैं, मिलके अच्छा लगा। हो रहा है और काफी कुछ इसमें चेंज हो रहा है। ये है मोटी दमन जट्टी। ओब्रिज से चलते हुए मैं इस तरफ आया हूँ। करने के बाद यहाँ बैठने के लिए काफ़ी आरामदायक बनाया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत और सुंदर डेकोरेट कर रहे हैं। जैसे मैं बीच पर पहुँचा हूँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही है, वैसे मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। लाइट हाउस दिख रहा है वहाँ पे, दमन फोर्ट है। दमन फोर्ट विजिट करूँगा। कच्चे समुंदर कैसे उफान भर रहा है, आवाज़ भी आ रही है काफ़ी ज़बरदस्त। एकदम गोवा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। गोवा भी बिल्कुल ऐसा ही साफ सुथरा खूबसूरत। हमने ज़्यादा करके बीच ऐसे देखे हैं जहाँ पे गोल्डन कलर का सैंड होता है, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। जेम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र इस नाम से एक हमने सीरीज बनाया था, जिसमें 4 एपिसोड थे। बिल्कुल इसी तरह के सैंड से उस बीचेस पे थी। मोटी दमन से नानी दमन भी दिख रहा है यहाँ से, क्या बात है, ज़बरदस्त। मेरे सामने नानी दमन फोर्ट है। मुझे इस लाइट हाउस जाना है, इसका सुंदर मॉडिफिकेशन देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसे नज़ारा बहुत कम देखने मिलता है यहाँ पे, उठने बैठने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा टाइम है, अच्छा जगह है। ज़रूर एक चीज़ आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पत्थरों से बनाकर। अभी पहुँचा हूँ मोटी दमन के फोर्ट पर। फोर्ट वॉल विजिट करने के लिए आया हूँ मैं अभी। यहीं से ऊपर आया था। ये मेरे सामने लाइट हाउस है। ये कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, जैसे हर फोर्ट में होता है। जबरदस्त खूबसूरत है, जबरदस्त ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। मैं बैठ, इसके एंट्री पर ताला लगा हुआ है, यहाँ नहीं जा सकते हैं। मैं अपने सफ़र की शुरुआत नानी दमन बीच से शुरुआत किया था। नानी दमन होकर
नानी दमन जट्टी गया, जट्टी से होकर मोटी दमन, मोटी दमन के बीच पर होते हुए अब यहाँ पहुँचा हूँ। एग्जैक्टली जो मेरे सामने है डोमिनिका मॉनेस्ट्री है, अब कुछ ही देर में मैं वहाँ पे विजिट करने वाला हूँ। मोटी दमन उसके नाम के विपरीत है, छोटा सा आइलैंड है, वहाँ फोर्ट है, बीच है। मोटी दमन फोर्ट के अंदर ही कलेक्टर ऑफिस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फोर्ट है, इसी फोर्ट के अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने देखा कि मैं लाइट हाउस विजिट करके डोमिनिका मॉनेस्ट्री आया हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं डोमिनिका मॉनेस्ट्री है, एक एंट्री यहाँ से भी है बैक साइड से, यहाँ से होकर, बट हम जाएंगे थोड़ी दूर पर, वहाँ से फ्रंट साइड से एंट्री है, हम वहाँ से एंट्री करेंगे। डोमिनिकन मॉनेस्ट्री को बिल्ड किया था 1567 में। आप दीवार देख सकते हैं, ये करीब करीब 40 फीट हाइट है इस दीवार का। में इसे बिल्ड किया गया था जब ये चर्च बना, इसके बाद इस जगह पे प्रार्थना किया जाता था। अब ये मॉनेस्ट्री बिल्कुल खंडर हो चुका है, बहुत खूबसूरती से ये कलाकृतियां बनाई गई है। मॉनेस्ट्री के टॉप भाग में है ये, उसके अंदर पहले पोर्टुगीज कॉलोनियां हुआ करती थी। 1961 के बाद सब कुछ बदल गया, एक लड़ाई हुई दमन के फ्रीडम के लिए, भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए, 12 लोग इसमें जख्मी हुए, और पोर्चुगीज के 12 जवान शहीद हुए और 2 लोग जख्मी हुए। पोर्चुगीजों ने अपना अधिकार को समाप्त किया और भारत में विलय कर दिया। लड़ाई में करीब एवरेज में देखा जाएगा ये हिंदुस्तानी सिपाही ने 3 पोर्चुगीज सिपाहियों को मुकाबला किया। नानी दमन और मोटी दमन इंडियन यूनिट यूनियन टेरिटरी में है 1981 के बाद। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में डोमिनिका मॉनेस्ट्री के बैक साइड में बहुत खूबसूरती से इसको सजाया गया है, क्या जबरदस्त है। तो मैं अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। दमन का टूर कैसे लगा प्लीज़ मुझे ये बताइए, और शेयर कीजिए मेरे साथ में अपने कमेंट को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।